बर्ड्स का डीएनए निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बर्ड को आपने किस तरीके से, किस एंगल से उसको पकड़ा हुआ है, ये है इसका सही तरीका बर्ड्स को पकड़ने का, ताकि जो है वो बर्ड को कोई तकलीफ भी ना हो और वो सही तरीके से हैंडल भी हो जाए। तरीकेकार ये होता है फेदर निकालने का कि लेट्स सपोज आपने इस पड़ से जो है फेदर्स निकालने, ये है इसका शोल्डर। अच्छा, शोल्डर पे भी आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो उंगली और अंगूठा है वो आपने शोल्डर पे रखना है, ताकि इसका शोल्डर डिसलोकेट ना हो। और तरीके से ये कुछ बड़ी कलियाँ होती हैं और ये कुछ छोटी होती हैं, तरीके से आपने ये वाले फेदर जो हैं यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे। ये फेदर इसके निकल चुके हैं, ये फेदर्स हैं इसके, इस बर्ड के 3 से 4 फेदर्स हैं। इसके अंदर जो है सबसे अहम चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि आपका हाथ इनकी रूट्स पे टच ना हो। पॉलीथिन बैग के अंदर, ये जिपर बैग होते हैं, एयर लॉक होते हैं बैग, इसके अंदर बगैर अपना हाथ रूट जो है, रूट पे हाथ टच किए हुए या उंगली टच किए हुए, इस फेदर को इसके अंदर डाल देना।